का स्वागत है, मैं मनोज। देखिए ये दूसरा हेलीपैड है, लेकिन हेलीपैड निर्माण को लेकर के हम आप दिखाना चाहते हैं। देखिए तेज गति से बन रहा है और ये तमाम देखिए महिलाएं हैं, ये महिलाएं भी काम कर रही हैं। कहा जाता है कि एम्स जब बन जाएगा तो यहाँ हजारों, चाहे महिला हो या पुरुष, उन लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी, यहाँ इन लोगों को रोजगार मिलेगा, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। कहाँ से आए थे यहाँ? हम लोग अपने गांव के हैं, शोभन के। जी कितना महिला है आप लोग? हम अपनी 8 महिला हैं। 8 महिला काम कर रहे हैं जी। तो लगता है कि यहाँ रोजगार मिल गया आप लोग? हाँ मिल गया। एम्स बनने से जी बहुत फायदा, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या बोला? हाँ हम लोग बहुत खुश है। अच्छा। हम लोग गरीब है, हम लोग कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो कहाँ घर हुआ आपका? शोभन। शोभने से हैं जी। तो महिला पुरुष कितना है शोभन से आप लोग? 8 गोरा है। 8 आदमी काम करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए 8 गोरा आदमी। कितना पैसा मिल रहा आपको? बोला है 500 रुपया देंगे। 500 रुपया मिलेगा जी? तो रोजगार मिल जाएगा आप लोग को? बिहारी 500 रुपया, बिहारी बोले भैया जी। हाँ। जो 500 रुपया मिलेगा। अच्छा, तो दिन रात काम कर रहे हैं आप लोग? रात के तो बाल बच्चा है सर। हाँ। दिन के कर सकते हैं, दिन के कर सकते हैं, रात के कैसे करेंगे, बाल बच्चा के कैसे रखेंगे, छोटा छोटा बच्चा है। अच्छा, एम्स बनने पर आप लोग कैसा लग रहा है? एम्स बन रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खुश है, बहुत खुशी है, दिल खुश है, रोजी रोटी मिल गया गरीब आदमी के हम लोग को। हाँ, हम लोग बैठे बैठे घर में खाते से लन नहीं सकता है, बाल बच्चा को पढ़ाई नहीं होता है, पेट नहीं भरता है, कपड़ा लत्ता नहीं होता है, पबनी पूज में खाली सूदी उठा उठा हम लोग करते हैं। कमाएंगे तो पेट भरेंगे, बाल बच्चा को पालेंगे, अच्छा से रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। सरकार मोदी जी ठीक कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा, बहुत खुशी। मोदी जी ठीक नहीं कर रहे? बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी से, बहुत। तो देखिए ये तमाम देखिए किस तरह ईंटा यहाँ पर लिया जा रहा है, और हम आपको बता दें अगर तो देखिए ये इस तरह 3 सेंटर जो है सो वो बन रहा है, और सभी महिलाएं ये कह रही हैं कि काफ़ी खुश हैं नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से। और इसी तरह दरभंगा एम्स अगर बनता है तो यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। राजनीति कितनी चल रही थी, कितने लोग भोला यादव पर आरोप लगा रहे थे, कितने लोग संजय झा पर आरोप लगा रहे थे, सभी अलग अलग आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि मोदी ने पहले ही उद्घाटन कर लिया तो अब ये शिलान्यास की आवश्यकता क्या है। लेकिन देखिए इस तमाम क्षेत्र, शोभन हो, पंचोब हो, हनुमान नगर और बहादुरपुर के कई ऐसे पंचायत हैं जहां हजारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। देखिए कितने लोग यहां काम कर रहे हैं, कितने लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं यहां पर। और हम बता दें कि ये ऐसे ये जो बन रहा है ये कितने कितने स्क्वायर फीट का है, ये यहां वाला बन रहा है? 10,000 स्क्वायर फीट। ये भी 1,000 स्क्वायर का ये भी बन रहा है? ये 10,000 स्क्वायर फीट हुआ। ये बड़ा है क्या? इससे सेम है, 3 गो हेलीपैड सेम है। सेम है। तो यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? यहाँ भी 250। यहाँ 250 है। तो एक एक चीज़ और बताएगा, आप लोगों ने एक रोजगार का संसाधन दिया, आपका विभाग जो है सो आपको कैसा लग रहा है जब ये लोगों को गए थे कहने के लिए कि आकर के यहाँ काम कीजिए, तो कैसा है? लोगों में बहुत हर्ष हुआ, खुशी हुई कि इन लोगों के घर पर जब हम लोग गए काम करने के लिए कहने के लिए तो लोग हर्ष स्वीकार किए और दौड़ते कोई भी नहीं पूछे कि काय को पैसा देना है नहीं देना है, किसी भी तरह की बातचीत उन्होंने नहीं किया, सीधे काम करने के लिए लोग चले आए। मतलब ये इधर बेरोजगारी था, अब ये खुलने से अब लोगों को लग रहा है कि नहीं अब हम लोग का जीवन बदलने वाला है, अब दिख भी रहा है जब लोग काम कर रहे हैं इससे कुछ प्राप्ति हो रही है तब लोगों में काफ़ी हर्ष है। जैसे आपने कुछ महिलाओं से बात किया, कुछ पुरुषों से बात किया, आपको पता चला ही होगा ये किस तरह विपक्ष कर रही है कि इतना खर्चा कर रहे हैं मोदी जी के एक दिन के कार्यक्रम में। तो क्या लगता है ये सब ईंटा का क्या फिर इस्तेमाल? देखिए पक्ष हो विपक्ष हो, हम तो संवेदक हैं, कहना नहीं चाहिए, जब वो भी सत्ता में रहते तो उनके लिए भी यही प्रोटोकॉल लागू होता है, सत्ता में बैठे भी लोग यही कहते हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है। ओवरऑल पब्लिक को विकास से मतलब ये सब जो बन जाएगा फिर इस ईंटा का क्या उपयोग हो सकता है? ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, फिर गवर्नमेंट ये उसको चला प्रॉपर्टी है। तो लगातार आपने एक 1,000 लोगों को लगभग यहाँ रोजगार मिला? लगभग कम से कम। तो चलिए देखिए चारों तरफ दिखाइए जरा, देखिए चारों तरफ कितने महिला पुरुष काम कर रहे हैं, और सबसे बात देखिए कितने तेजी से काम हो रहा है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का जो भूमि पूजन और सभा है इसको लेकर के यहाँ तेज गति से महिला हो या पुरुष सभी काम कर रहे हैं, सभी को रोजगार मिला। पहले 2 लेयर ईंटा बिछाए जा रहे हैं, इसके बाद देखिए ऊपर से मिट्टी उस पर डाला जा रहा है, देखिए किसा मिट्टी डाला, वो मिट्टी डालने के बाद इस पर जो है सो शोलिंग होगा, 2 लेयर शोलिंग होगा और फिर उस पर H लिखाएगा। ये है हेलीपैड, और देखिए यहाँ से अप्रोचिंग रोड सामने मिलेगा,
ये अप्रोचिंग रोड वो सामने देख रहे हैं वो सभा स्थल है जहां नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि इससे जुड़ी बिहार अपडेट। रोजगार के संसाधन अभी से ही उपलब्ध हो गए हैं, जिसकी चर्चा हो रही थी कि दरभंगा एम्स बनेगा तो न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र पूरी तरह विकसित हो जाएगा। आप सोचिए, जिस महिला को पैसा नहीं था आज वो महिला अपने घर पर प्रत्येक दिन 500 यानी 15,000 रुपये महीने ले जा पाएंगी। ये सबसे बड़ी बात है कि महिला और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर इस क्षेत्र में, चाहे संजय झा ने काम किया हो, चाहे भोला यादव ने किया हो, या मदन सहनी ने किया हो, या गोपाल जी ठाकुर ने किया, ये मायने नहीं है। मायने यह है कि रोजगार के संसाधन उपलब्ध नरेंद्र मोदी ने किया। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।